इस वीडियो में हम जानने वाले कि आप अपने फेसबुक पेज को कैसे डिलीट कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक मिनट के अंदर। तो चलिए जानते हैं। देखिए, फेसबुक पेज डिलीट करना बहुत ज्यादा आसान है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहना और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप अपने फेसबुक पेज को क्यों डिलीट करना चाहते हो। तो मुझे इससे आइडिया लग जाता है कि यार मेरे व्यूवर्स क्यों वीडियो देख रहे हैं, इसलिए कॉमेंट जरूर करके बताना। तो हम लोग फेसबुक पेज डिलीट करने के लिए सबसे पहले फेसबुक की ऐप को ओपन करेंगे। ये रही फेसबुक की ऐप, इसे हम होम पेज पे ले आते हैं। इधर से ऐसे खिसका के ऐसे इधर हम होम पे ले आते हैं, ठीक है, ये आ गई। और इसे हम ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं प्रोफाइल वाले सेक्शन में, और यहां आप देख सकते हैं ये रही मेरी आईडी, और प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो अभी हम आईडी पे हैं, अभी हमें अपने पेज पे स्विच करना पड़ेगा, तभी हम अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर सकेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं देख सकता हूं मेरे दो पेजेस हैं, ये देखो यहां पे दो पेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं मेरे। तो यहां पे हम क्लिक करके भी स्विच कर सकते हैं, ये देखो इस पे क्लिक करूंगा स्विच का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो स्विच का ऑप्शन आ गया है। अगर आपके कुछ पेजेस यहां पे शो नहीं करते हैं, तो जस्ट आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी पेजेस हैं ना, वो सारे यहां पे शो करेंगे। अब जिस भी पेज को हमें डिलीट करना है, उसमें हमें स्विच करना होगा। तो एग्जांपल के लिए मुझे ये वाला पेज यहां पे डिलीट करना है, ठीक है, तो हम इस वाले पेज पे स्विच कर लेंगे, मनीष वाला जो पेज है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्विच टू, यानी मतलब स्विच हो रहे हैं, जो कि हो जाते हैं बहुत आसानी से। पता नहीं आज टाइम ले लिया वीडियो बनाते समय। अब हमें क्लिक करना होगा उसके बाद प्रोफाइल वाले सेक्शन में, है ना, यानी मेन्यू बार जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे, इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग अब स्विच हो गए हैं अपने पेज पे, ठीक है। ये देखिए हमारे पेज का नाम है मनीष, और पेज पे कोई लोगो लगा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, हम अपने फेसबुक पेज के सेक्शन में आ गए हैं। अब हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करना है, इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो हमें इस पे क्लिक करना होगा। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्लिक करना होगा सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। ये देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा थोड़ा सा, इस तरीके से स्क्रॉल करते जाएंगे, और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सेस एंड कंट्रोल वाला। ये देखिए यूअर इन्फॉर्मेशन में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड इनकेस अगर आपको देखने को नहीं मिलता है, कई बार क्या होता है कि हम ढूंढते हैं और हमें चीज़ें नहीं मिलती है, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सर्च में आप जाइएगा और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा एक्सेस। ये देखिए एक्सेस, मतलब मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी, एक्सेस हमें लिखना है एक्सेस। देखिए एक्सेस लिखेंगे ना, तो एक्सेस एंड कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ये देखिए ये रहा एक्सेस और कंट्रोल का ऑप्शन, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है, बट हमें ऑप्शन मिल गया तो हम उसी ऑप्शन से जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए यूअर इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे, ये रहा एक्सेस एंड कंट्रोल, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये पेज लोडिंग होगा, और यहाँ पे शो करेगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन, टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर पेज। आप देख सकते हैं पेज डिलीट करने का ऑप्शन आ गया है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डीएक्टिवेट पेज, डिलीट पेज। ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो, क्योंकि लाइक करने से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है डीएक्टिवेट पेज, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है डीएक्टिवेट पेज। जैसे कि हम अपने फेसबुक आईडी को या फिर इंस्टाग्राम आईडी को डीएक्टिवेट करते हैं कुछ दिनों के लिए, उसी तरीके से आप पेज को भी कर सकते हैं, ऑप्शन आ गया है फेसबुक में। बट हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि परमानेंटली कैसे डिलीट करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमें परमानेंटली डिलीट का यहां देखने को मिल जाता है। तो हमें सेकंड ऑप्शन को यहां पे सिलेक्ट करना होगा, देन हमें क्लिक करना होगा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे। तो हम यहां पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये पूछेगा बिफोर यू डिलीट मे बी हेल्प, यहाँ पे हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। हमें जस्ट क्या करना है, जस्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। देन ये बोलेगा कि भाई आप अपना फेसबुक पेज डिलीट कर ही रहे हो, तो आप यहाँ से अपने डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, जितने भी आपके फोटोज हैं पेज पे, वो आप यहाँ पे डाउनलोड करके रख सकते हो। क्योंकि कई बार हमने पुराने पेजेस बनाए होते हैं, उसमें हमारे फोटोज या वीडियोस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड करके रख सकते हो, आपको ही अच्छा रहेगा।
एज अ बैकअप आपके पास फोटोज एंड वीडियोज पड़े रहेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको ट्रांसफर वगैरह करना है अपनी इंफॉर्मेशन को, तो यहां से ट्रांसफर वगैरह भी कर सकते हो, आपको यहां पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बट अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो जस्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहां पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हमसे हमारा पासवर्ड मांगेगा हमारी फेसबुक आईडी का, क्योंकि मोस्टली लोग यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फेसबुक पेज बनाते समय तो मैंने पासवर्ड डाला नहीं था, मेरे फेसबुक पेज का पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक पेज का नहीं, हमारी फेसबुक आईडी का पासवर्ड मांग रहा है। और काफी लोगों का मिथ ये होता है कि अगर हम यहाँ पे अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड डालेंगे तो हमारी कहीं फेसबुक आईडी तो डिलीट नहीं हो जाएगी, तो जी नहीं, आपकी फेसबुक आईडी डिलीट नहीं होगी, आपका पेज ही डिलीट होगा। तो आपको अपने फेसबुक आईडी का यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। अगर आपको ये नहीं पता कि फेसबुक आईडी का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं या पता करते हैं, तो वो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट के एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वीडियो में देख लेना। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया, आप जस्ट हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें कंटिन्यू अगेन क्लिक कर देना है कंटिन्यू के ऑप्शन पे, तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद फाइनली हमें डिलीट पेज का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही हम डिलीट पेज पे क्लिक करेंगे हमारा पेज यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।